सुपरपोजिशन थ्योरम थियोरम की स्टेटमेंट है इसमें इन्होंने क्या कहा है इन एनी लीनियर नेटवर्क लीनियर मतलब मैंने बताया था कि ये उसी नेटवर्क पे एप्लीकेबल है मतलब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रेजिस्टिव नेटवर्क पे ही सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है अगर तुम इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट लाओगे तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स मैंने बताया था जब एक से ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी ये थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते देन द कम्प्लीट रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच ऑफ द नेटवर्क इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द रिस्पॉन्स टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब कि जैसे हमने एक सोर्स रखा और उसके बाद हमने आई डैश की वैल्यू निकाली थी फिर दूसरा सोर्स रखा था तो हमने आई डब डबल डैश की वैल्यू निकाली थी तो उनको हमने बाद में क्या करा था सम करा था सम ऑफ रिस्पॉन्स ठीक है और उसमें हम क्या करते हैं वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं शॉर्ट और करेंट सोर्स को ओपन तो कई बार पेपर में लिमिटेशंस भी पूछ लेते हैं कि ये तभी एप्लीकेबल है जब एक से ज़्यादा सोर्सेज एप्लीकेबल है अवेलेबल है और ये लीनियर और बाइ नेटवर्क पे ही अप्लीकेबल है और इससे हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से हम पावर की वैल्यू नहीं निकाल सकते